अभी यहाँ पे कोई सी फूड मार्केट है जो कोरोना थे वो ऐसा कहा जाता है यहीं से स्टार्ट हुआ था। ताजा ताजा किली किली है, हम उसके दीवाने हैं। इन सारी बिल्डिंग्स में ना है कि गवर्नमेंट का कब्जा है और यहाँ के लोग अपार्टमेंट्स ना उसमें किराए से लेते हैं। मतलब सबके हाथ में मोबाइल मिलेगा, रोड के बीच में चलते चलते मोबाइल मोबाइल। कहीं भी इनको थोड़ा सा भी टाइम मिलता है ना तो ये देखो एक्सरसाइज, मतलब जैसे पोटी कर रहे हो ना ऐसे बैठ के और मोबाइल चलाना स्टार्ट। गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल द इंडो ट्रैकर। और अभी मैं हूँ वुहान। वुहान एक हुबेई यहाँ पे प्रोविंस है चाइना में, हुबेई प्रोविंस का एक पार्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट है वुहान। अभी हम लोग यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट में आए, सबसे पहले तो खाना पीना खाते हैं। कल हम लोग आए थे वहाँ पे शाओलिन टेम्पल घूम के झेंगझोउ से, तो झेंगझोउ से हम लोग वुहान आए। फिर वुहान हम पूरी रात की ट्रेवलिंग थी, बहुत थक गए थे, कुछ हद से ज़्यादा थक गए, पहली बार ट्रेवलिंग में इतना थकान हुआ था। अभी कोई छोटा सा यहाँ का रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में खाना पीना खाते हैं और फिर आप लोगों को घुमाते हैं वुहान सिटी, जिस वुहान सिटी ने दुनिया को हिला के रख दिया था, दुनिया को मतलब अस्त व्यस्त कर दिया था। कितने साल, मतलब कितने महीने आप लोगों ने यहाँ पे जेल में काटे होंगे, मैंने भी काटे, आप लोगों ने भी काटे इस सिटी की वजह से। तो आप लोगों को अभी थोड़ा सा खाना पीना खा के और हम लोग घुमाएंगे आप लोगों को वुहान। अरे भाई साहब देखो, हाई ब्रो। ये कोई छोटा सा यहाँ पे रेस्टोरेंट है। ये राम भैया अपने देखो कैसे खा रहे हैं, कैसे खा रहा है, क्या खा रही है तू, ये तो बता। मैं खा रहा हूँ नूडल्स। नूडल्स क्या नाम है? क्या खा रहा हूँ वो भूल जाओ, किधर खा रहा हूँ उसका मतलब रखो। जहाँ खा रहे हैं वो चीज मैटर करती है आज। जहाँ खा रहा हूँ उसका नाम, उसका सिटी का नाम सुन के लोग भाग जाएंगे, जिसका नाम सुन के लोग जिधर भी हो दुनिया में अपना खाना छोड़ के फेंक के भाग जाएंगे, उसी जगह में हम बैठे आज खाना खा रहे हैं। एपिसेंटर ऑफ कोविड-19 वुहान। कैसा लगा खाना? अच्छा है ना? तो खाना पीना खाते हैं, यहाँ का ड्राई नूडल है, ये 6 युआन इसका प्राइस है, 1700 रुपीज़ है। चलते हैं बाहर घूमते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सिटी है। इंटरेस्टिंग तो एक चीज़ थी, उसने बनाया इसको वायरस ने, लेकिन हम लोग आप लोगों को बहुत सारे फैक्ट्स बताने वाले हैं इस सिटी के बारे में और चाइना के बारे में। आप लोगों ने पिछली क्लिप में एक लड़की देखी होगी मेरे पीछे, हम लोग खाना खा रहे थे, वो लड़की हमारे खाने का पैसा पे कर गई, पता है? जब हम लोग उस बंदे को खाने का पैसा पे करने गए ना, तो वो बंदा हमें बोलता है कि वो लड़की ऑलरेडी पे कर गई। वो बंदे ने सोचा कि इसकी जानकार होगी, लेकिन हमने बताया कि हमारी जानकार नहीं है। देखो भाई, ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में। आप लोगों की जानकारी के लिए थोड़ा सा बता दूं, वुहान है जो हुबेई प्रोविंस में आता है। और यहाँ पे प्रोविंस वगैरह की बात करें तो ना, चाइना में 23 प्रोविंस है, 5 यहाँ पे ऑटोनोमस रीजन है, 4 यहाँ पे म्युनिसिपैलिटीज है और यहाँ पे 2 है स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, वो है मकाऊ और हांगकांग। ये सारी स्कूटी ना इलेक्ट्रिक है और बिल्कुल भी आवाज नहीं करती स्कूटी वगैरह। जितना यहाँ का लाइफ अभी स्मूथ दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे इतना लोगों को बाहर निकलते हुए देख के, इतना लाइफ स्मूथ देखते हुए। लेकिन गाइज, आज से लगभग 1 से 1.5 साल पहले यहाँ पे पूर्णतया लॉकडाउन था। रात को 8 बजे तक एक्सप्लोर करेंगे इस सिटी को आज हम लोग। अभी यहाँ पे कोई सी फूड मार्केट है, कहा जाता है कि ये जो कोविड था ये वहीं से शुरू हुआ था। तो एक बार हम लोग सी फूड मार्केट विजिट करना चाहते हैं। यहाँ पे इन बंदों से हम लोग सी फूड मार्केट का बस वगैरह या मेट्रो वगैरह पता कर रहे थे कि कौन सी बस या कौन सी मेट्रो जाएगी वहाँ के लिए। हुनान फिश मार्केट पहुँचने के लिए हमें लेनी है यहाँ से मेट्रो। ट्रेन टिकट ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो और ऑफलाइन भी बुक कर सकते हो। यहाँ पे वहाँ मुझे एक चीज देखने को मिली, यहाँ पे इतना भीड़ भाड़ नहीं है यार। मेट्रो स्टेशन भी बहुत खाली खाली है, पता नहीं ऐसा क्यों, पहली बार किसी चाइना की सिटी में ऐसा देखने को मिल रहा है कि कोई भी जगह इतनी खाली खाली है। वैसे चाइना में आप लोगों को एक चीज कॉमन मिलेगी, मतलब कोई भी बंदा कहीं भी जा रहा हो, रोड पे चल रहा हो, मेट्रो में चल रहा हो, बस में चल रहा हो, मतलब सबके हाथ में मोबाइल मिलेगा। पता नहीं यहाँ की, मतलब आने वाली जनरेशन का, आप लोग ये सोचो कि 20 साल बाद या 10 साल बाद जो जनरेशन होगी, उस जनरेशन के हाल क्या होंगे। What happened? Nice dress. देखो मेट्रो आ गया, लेकिन सबके हाथ में फिर भी मोबाइल दिखेगा। हर किसी बंदे के हाथ में आप लोगों को यहाँ पे मोबाइल दिखेगा। पूरे चाइना के यही हालात है। मैं सोच रहा था भीड़ नहीं है यहाँ पे, आप आइए, भीड़ तो। अभी मैं आ गया हूँ जहाँ पे हमारी हॉस्टल थी, वहाँ से 2 मेट्रो लेके मैं पहुँच गया हूँ हांगकांग रेलवे स्टेशन। और ये हांगकांग रेलवे स्टेशन की हलचल कुछ ऐसी है, आप लोग भी देख लो, काफ़ी सारे लोग बैठे हैं भाई साहब यहाँ पे। हांगकांग एक डिस्ट्रिक्ट, आप लोगों को बता दूँ जो ये जगह है वुहान, वुहान में एक हांगकांग रेलवे स्टेशन है।
आप लोगों को यहाँ की हलचल देख के लग रहा होगा कि ये इतने लोग कैसे इतने सालों तक, मतलब 3 से 4 सालों तक कैसे घरों में रहे होंगे। यहाँ पे वुहान में आप लोग बता दूं बहुत लंबा लॉकडाउन चला था, जो कोरोना थे वो ऐसा कहा जाता है यहीं से स्टार्ट हुआ था। तो हम लोग आपको लेके चल रहे हैं जो सी फूड मार्केट था, हालांकि अब तो ऐसा कहा जाता है कि वो बंद हो गया चालू है, वहाँ चलते हैं देखते हैं और बताते हैं आप लोगों को वहाँ के हालात। और ये आप लोगों को मैंने बताया था ना कि चाइना के लोग कहीं भी बैठे रहते हैं ना, कहीं भी इनको थोड़ा सा भी टाइम मिलता है ना, तो ये देखो ऐसे, मतलब जैसे पोटी कर रहे हो ना ऐसे बैठ के और मोबाइल चलाना स्टार्ट कर देते हैं, कहीं भी देख लो आप लोग। और इनके बैठने की स्टाइल ऐसी है, वो बंदा वो देखो वो भी ऐसे, मतलब एक खुले में भी बैठेंगे ना तो ऐसे ही बैठ के फ़ोन चलाने लग जाते हैं कहीं भी। मैंने बहुत जगह नोटिस किया है इन लोगों को ऐसे, ये देखो ये सारे के सारे ऐसे ही बैठते हैं, ये बंदा भी इधर ऐसे ही बैठा है, मतलब आपने कोई ऐसे बैठने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा फील करता है और ये लोग ऐसे बैठ के और मोबाइल वगैरह चलाना शुरू कर देते हैं। आप लोग ना पता नहीं यार, मैं जिस भी वीडियो में ना थोड़ी सी किसी चीज़ को प्रेज करता हूँ ना, पता नहीं बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आने लगते हैं, ऐसा कुछ पता नहीं ऐसा क्या ही दिक्कत है अपने लोगों को, मतलब जो कोई अच्छी चीज़ दिखती है तो उसको प्रेज करने में क्या ही अर्ज है। अब मैं बोल दूंगा जैसे बस बहुत अच्छी दिख रही है तो काफ़ी सारे लोग कमेंट करने लग जाएंगे, भाई अपने इंडिया की बुराई कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, फलाना कर रहा है। भाई इंडिया की बुराई नहीं कर रहा यार, मैं यहाँ पे घूमने आया हूँ, जो अच्छी चीज़ है तो उनको तो प्रेज करे ना, जो बुरी चीज़ें थी कि उनको बुराई भी करते हैं, अच्छी चीज़ें होती हैं उनकी उनको प्रेज करना भी बनता है। तो ऐसा है यार, मतलब ऐसे जो चीज़ें अच्छी होती है ना उनको प्रेज करना थोड़ा सा अपने को आना चाहिए, ठीक है, प्रशंसा करनी आनी चाहिए, प्रशंसा करने से अपना भी मन खुश होता है, सामने वाले का भी मन खुश होता है। बाकी देखो जो नेगेटिव लोग हैं ना उनकी मैं परवाह भी नहीं करता, ठीक है, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो हमेशा सपोर्ट करते मुझे, सपोर्ट करते थे और सपोर्ट करते रहेंगे, यही उम्मीद है मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स से। भाई लोकेशन देखो क्या जबरदस्त जगह है ना ये देखो। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, चाइना की सारी बिल्डिंग, सारी जगह, सारी सिटीज सेम मिलेगी, यही इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, यही उनका जो है ना, मतलब डिजाइन वगैरह सब बिल्डिंग से एक सा ही मिलेगा, कहीं भी चले जाओ। मैं अब तक जितनी भी बिल्डिंग, वो चोंगचिंग, हाँ मैंने चोंगचिंग सिटी में गया था ना, चोंगचिंग सिटी मुझे फिर भी थोड़ा सा डिफरेंट लगा था। यहाँ पे तो यार कहीं भी जाओ आप लोगों को ना ये मोबाइल वाली बीमारी तो मिलेगी ही मिलेगी सब जगह, मतलब रोड के बीच में चलते चलते देखो, मतलब वो बंदे का पता नहीं ध्यान कहाँ है, रोड के बीच में चलते चलते मोबाइल। ये वाली तो बहुत ही बड़ी समस्या हो गई है भाई चाइना में। टेक्नोलॉजी जितना ज़्यादा वो बढ़ती जा रही है ना, जितना ज़्यादा डेवलप टेक्नोलॉजी में कोई भी कंट्री करता जाएगा ना, उतना ही ज़्यादा वहाँ के लोगों की रोज़मर्रा लाइफ में उसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। हेलो हाउ आर यू, ये देखो यहाँ की टैक्सी वगैरह कुछ होती थी से। तो गाइस हमारे भाई साहब को ना कुछ कॉफ़ी पीने की तलब लगी है, नींद आ रहा है, तो ये लुकिन कॉफ़ी है यहाँ का, चाइना में सबसे फेमस लुकिन की कॉफ़ी बहुत फेमस है। कॉफ़ी पीते हैं सबसे पहले यहाँ से, ये दो मोहतरमा है जो यहाँ पे कॉफ़ी बेच रही है। मैडम टू यहाँ पे यार गूगल ट्रांसलेटर इतना यूजफुल है, किसी भी ट्रेवलर के लिए पूछो मत। तो आप जब भी यहाँ पे आओ ना चाइना में तो एक अच्छा सा गूगल ट्रांसलेटर डाउनलोड करके आना। अब कॉफी पीनी है, कॉफी पीने के लिए ये वाटरमेलन सिरप विद मिल्क एंड कॉफी है। अच्छा ओके ट्राई करेंगे ना, ये अच्छा है। ये व्हाट इज दिस? ये बोल रही है स्कैन करो QR कोड और पैसा पे करो। हम लोगों ने बोला हमारे पास यहाँ पे एक अलीपे आता है, एक वीचेट आता है, तो हमारे पास ना ही अलीपे है ना ही वीचेट है। माय गॉड, मुझे लगता है केस के चक्कर में हम लोगों की आज कॉफी छूटने वाली है। ये लोग केस यूज करते ही नहीं है यार, मतलब यहाँ पे सब कुछ ऑनलाइन पेमेंट वगैरह सब कुछ ऑनलाइन, अपने इंडिया में भी बहुत प्रचलन हो रहा है ऑनलाइन पेमेंट का आजकल, जो कि अच्छी बात है यार। 50 yuan का चेंज करवाने के लिए मैं पूरे मार्केट में भटक लिया, लेकिन अभी तक मुझे ना 50 yuan का चेंज नहीं मिला। मुझे लगता है आज हमारे नसीब में कॉफ़ी नहीं लिखा है यार, किसी के पास, किसी बंदे के पास 50 yuan चेंज नहीं है, हद हो गई है। तो एक शॉप पे जाके और एक पानी का बोतल परचेज किया ना, तब जाके चेंज मिला है 50 yuan का, और फिर जाके हम लोगों ने कॉफ़ी खरीदी है। इसमें है मिल्क कॉफ़ी एंड वाटरमेलन, पहली बार मैं वाटरमेलन वाली कॉफ़ी पी रहा हूँ यार, लेकिन टेस्ट ना अच्छा है, काफ़ी अमेजिंग जबरदस्त टेस्ट है। अरे घूमता इंसान कहाँ पे था तू? वहीं था, वो स्क्वायर पे। वहाँ क्या करने गया था? क्या करने गया था, टिकट लेने गया था ना भाई। ये सुबह से टिकट लेके निकला हुआ है, मेरा पासपोर्ट लेके निकला हुआ है भाई। अब जाके कॉफी, घंटा हो गया अभी तो खाना खाया मैंने।
अब तक हम लोगों ने जितने भी चाइना की सिटीज घूमे ना, उसमें से सबसे कम भीड़ भड़ाका इस वाली सिटी वुहान सिटी में देखने को मिला है। यहाँ की जो पॉपुलेशन है ना वो लगभग 12 मिलियन के लगभग है। कहीं ऐसा तो नहीं यार कोविड में सब शहीद हो गए हो, क्या पता। ये आप लोगों को सैलून दिख रहा है, वैसे तो इस सैलून यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन काफी सारे सैलून पे लिखा हुआ नहीं होता। ये दोनों तरफ लाइट लगी है ना, इसका मतलब है कि ये सैलून है, बाकी बहुत सारे सैलून पे लिखा हुआ नहीं होता है। और ये देखो सामने यहाँ का जो वुहान सिटी है उसका मार्केट वगैरह कुछ ऐसा लगता है यहाँ पे। अभी यहाँ की लोकल स्ट्रीट फूड की मार्केट वगैरह लगेंगी, अभी देखो स्टॉल वगैरह लगना शुरू हो गई है। वुहान सिटी ना पता नहीं क्यों मेरे को उतना एडवांस लग नहीं रही बाकी जो अदर सिटीज देखा था मैं। बाकी वुहान है जो चाइना के सेंट्रल में सिचुएटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है वैसे चाइना के लिए देखा जाए तो। बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज वगैरह वुहान में मिलेगी आपको। वुहान चाइना, ये देखो यहाँ पे वुहान चाइना का इन लोगों ने बोर्ड लगा रखा है, पहली बार कहीं बोर्ड देखने को मिला है। ये हलचल देखो, हलचल देखो दोस्तों, हलचल देखो। ये आज से 1 से 1.5 साल पहले यहाँ पे एक बंदा तक नहीं दिखता था रोड पे। क्या हालात होंगे पूरे सिटी के। तो यहाँ पे सबसे लंबा लॉकडाउन चला है, बहुत लंबा लॉकडाउन चला था यहाँ पे। यहाँ पे जब वो पॉलिसी लागू की थी ना इन लोगों ने, यहाँ की गवर्नमेंट ने, जीरो कोविड पॉलिसी, तब आप लोग सोच सकते हो कि यहाँ पे क्या हालात होंगे। मतलब सालों तक लोग यहाँ पे घरों में बंद रहे हैं। वैसे हम लोग भी रहे हैं 2 से 3 महीने, 3-4-5 महीने तो हम लोग भी घरों में ही बंद रहे थे। इस सिटी ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था भाई साहब। ये है जो यहाँ की टैक्सी है, यहाँ के लोग इसको एज ए टैक्सी यूज करते हैं। मतलब एक कोई भी एक पैसेंजर बिठा लेंगे आगे पीछे और उसको एक जगह से दूसरी जगह ड्रॉप करेंगे। आप लोग एक जगह देख रहे हैं, यह है वुहान का सिटी सेंटर। अभी हम लोग सामने से सीधे रास्ते जा रहे हैं जो वो यहाँ का सी फूड मार्केट है ना उसको घूमने। कहा तो यही जाता है कि जो सी फूड मार्केट था वहीं से पूरी दुनिया में फैला था ये वायरस। गाइस देखो यहाँ पे केएफसी दिखा मुझे, ओह माय गॉड, केएफसी मेरा फेवरेट है यार। 8 लाख सब्सक्राइबर हो रहा है तो जश्न मनाने के लिए केएफसी में हमको आज रात का खाना खिलाएंगे, हम नाचेंगे गाएंगे। इंडो ट्रैकर को आज ही सब्सक्राइब करना भाई, क्या कर रहे हो लोग, एक प्लेन बनाओ जल्दी इसका। क्या ब्लॉगर है। यहाँ पे ज्यादातर सिटीज है ना उनमें जो अपार्टमेंट्स आप लोगों की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही है, आप लोग कहीं सोचो कि ये ना पब्लिक की है, पब्लिक की नहीं है। ये इन सारी बिल्डिंग्स में ना है कि गवर्नमेंट का कब्जा है, और यहाँ के लोग अपार्टमेंट्स ना उसमें किराए से लेते हैं। जो रूरल एरियाज है ना उनमें फिर भी लोगों के खुद के घर मिलेंगे, लेकिन सिटीज वगैरह में यहाँ के लोगों के घर बहुत कम मिलेंगे। यहाँ पे शाम को हलचल कुछ ज्यादा बढ़ने लग गई है, बाकी और सिटीज के कंपैरिजन में देखा जाए ना तो कुछ भी नहीं है यार। लेकिन यहाँ पे एक चीज मुझे देख के बहुत अच्छा लगा, जो भी बिल्डिंग्स है ना वो बहुत दूर दूर है, बहुत ज्यादा कंजेस्टेड टाइप की बिल्डिंग्स वगैरह नहीं बना रखी इन लोगों ने। ये पहली सिटी है वुहान सिटी जहाँ पे आप लोगों को ऐसा देखने को मिलेगा। ट्रैफिक वगैरह चोंगचिंग सिटी देख लो, झेंगझोउ सिटी देख लो, बहुत सारी सिटीज ऐसी थी जहाँ पे ट्रैफिक के ये बुरे हालात थे पूछो मत। यहाँ पे गार्डन वगैरह भी बना रखा है। गाइस जब हम लोग आ गए हैं जहाँ पे वो सी फूड मार्केट हुआ करता था, ऐसा कहा जाता है कि यहीं पे सी फूड मार्केट हुआ करता था, और यहीं से कोविड पहली बार है जो दुनिया को मिला था, मतलब यहीं से कोविड दुनिया में फैला था। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ की गवर्नमेंट ने जो मैक्सिमम ऐसे एग्जोटिक मार्केट वगैरह सी फूड मार्केट वगैरह ऐसे हुआ करते थे ना सबको बंद कर दिया। ये देखो ये है यहाँ का सिटी सेंटर। हाय हाउ आर यू। तो क्या है कि अब यहाँ पे ना जो गवर्नमेंट है ना उसने यहाँ के जो मैक्सिमम एग्जोटिक मार्केट है, सी फूड मार्केट है, जिससे मतलब ऐसे लगता है कि उन जानवर से या उन मार्केट से लोगों को खतरा हो सकता है, लोगों में बीमारियाँ फैल सकती है, तो ऐसे मैक्सिमम मार्केट को कोविड के बाद बंद कर दिया है। ये अच्छा किया, लेकिन मतलब यार बहुत सारी बीमारियाँ फैल सकती है यार, मतलब किस जानवर में कौन सी बीमारी हो सकती है हम लोगों को क्या पता। यहाँ पे क्या था कि लोग सब कुछ खाते थे। एक लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पे वो थी ना जो एक लैब है वहाँ पे रिसर्च वगैरह होते हैं वहाँ से फैला था। अब हकीकत तो क्या है देखो, नहीं आप जानते हो नहीं मैं जानता हूँ, ऐसा कहा जाता है, ऐसा श्योर नहीं है, कोई भी श्योर नहीं है कि इन्हीं दो जगहों से जो कोविड था वो फैला है दुनिया में, ऐसा कोई भी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता। हम लोग ये हुनान
सी फूड मार्केट को घूमने आए थे, ये तो है बंद। यहाँ पे आने के बाद मालूम चला कि ये बंद है, यहाँ की गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे मार्केट को बंद कर दिया है। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे, और रात में ये जो वुहान सिटी है कैसा दिखता है थोड़ी सी दिखाते दिखाते आप लोगों को हम पहुंच जाएंगे हमारी हॉस्टल को। ये बिल्डिंग वगैरह दिख रही है आपको, ये वो जो हुनान सीफूड मार्केट है ना, उसी के लिए उसी की जगह ही बिल्डिंग वगैरह। वुहान से अगर आपको कोविड-19 का स्पेशल पानी चाहिए तो मैं भर के आ रहा हूँ। किसी को पीना हो तो कमेंट बॉक्स में अपना एड्रेस डाल दीजिए। देखो गाइस, इंडियंस की कंजूसी देखो आप लोग। मतलब यहाँ पे पानी ना एक छोटी बोतल 3 युआन का आता है, मतलब 35 इंडियन रुपीज का। ये वाला बोतल 35 इंडियन रुपीज का आता है। इन लोगों ने 3 बोतल भरा यहाँ से, मतलब मेरे लिए नहीं, 115 रुपए मेट्रो का किराया बचा लिया भाई। हम दोनों ने द इंडो ट्रेकर का बहुत पैसे बचाए है इस ट्रिप में। हाँ, पानी के कितना बचाया? बहुत सर, हजारों युआन। ओह माय गॉड, यहाँ पे पानी बहुत महंगा है। वैसे जहाँ भी रेलवे स्टेशन पे जाओ आप लोग पानी की बोतल भर लो, जहाँ पानी दिखे ना वहाँ से पानी की बोतल बोलो, आरओ वगैरह दिखे। यार एक बात तो है, हम लोगों के हंसी मजाक देख के ना यहाँ के लोगों में एक तो जिज्ञासा जरूर आती होगी कि यार ये लोग इतना खुश कैसे रह सकते हैं। मतलब हम लोग इतना हंसी मजाक कर रहे, इतने हंस रहे हैं, और यहाँ के लोगों के जो चेहरे है ना बिल्कुल सीरियस मुद्रा, बस फोन में हूँ, अपने ही दुनिया में खोए हुए रहते हैं ये लोग। कोई हंसी मतलब चेहरे पे स्माइल नाम की चीज ही नहीं होती यार, क्या ही जिंदगी, क्या लोग है यार। और हम देखो कितने बिंदास रहते हैं, जहाँ भी जाते हैं ना वहाँ हंसने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं हम लोग। गर्मी जबरदस्त है, पूछो मत, इतना गर्मी लग रहा है। ये देखो चेहरा देखो, पूरा उमस उमस हो रखा है। देखो हंसी मजाक हो गया, हम लोग 3 लोग थे, चलो ठीक है टाइम पास हो गया हमारा। लेकिन जो ये शहर है ना, वुहान शहर है, इसने इतना सताया भाई दुनिया को, इतना सताया। यदि इन लोगों ने टाइम पे बता दिया होता ना तो बहुत सारी फैमिलीज ऐसी थी, काफी सारी फैमिलीज, काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो पोस्टपोन हो गए। हम सबको दो दो इंजेक्शन, तीन बूस्टर आना, मल्टीविटामिन इंजेक्शन नहीं लेने पड़ते और विटामिन सी खाना नहीं पड़ता। कोरोना के नाम पे इतना करप्शन, कितना बर्बादी हुआ है, कितने लोगों के घर उजड़े हैं, कितने लोग मरे हैं। मतलब गुस्सा है भाई, बहुत गुस्सा है हम लोगों ने भी। यहाँ पे हम 3 लोग हैं, तीनों लोगों में से हर लोगों ने ना किसी अपने दोस्त, किसी अपने रिश्तेदार को खोया ही है। कम से कम मैं टू बी ऑनेस्ट मेरी बात करूँ तो लगभग ये मालूम मेरे जान पहचान, रिश्तेदार, यार दोस्त, जो भी आसपास का मेरी जान पहचान, जितना भी मेरा जान पहचान का एरिया ना, उसमें लगभग ये मान के चलो 8-10 लोगों को खोया है मैंने। तो ऐसा ही आप लोगों ने भी बहुत सारे लोगों को खोया होगा। अभी हम लोग एक कोई छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप का है, यहाँ पे देखो काफी फैमिली आई हुई है, गिटार वगैरह प्ले हो रहा है, यहाँ पे बियर वगैरह चल रही है, डिनर वगैरह खा रहे हैं लोग, काफ़ी अच्छा माहौल बना रखा है इन लोगों ने यार यहाँ पे। वाह भाई वाह, ज़बरदस्त। और मैं भी एक क्या पता ये बियर मंगवाई थी कि बड़वाई से टेस्ट कर रहा हूँ कैसा है। ये पहली बार मैंने देखी है, मतलब ये अलग ही टाइप की बोतल है बडवाइजर का, पहली बार मैंने ऐसी बडवाइजर की बोतल देखी है। अभी यहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेरियन ऑर्डर किया है, आप लोगों को ये देखने से लग रहा होगा कि ये नॉनवेज है, लेकिन गाइस ये नॉनवेज नहीं है, कुछ मशरूम है, ये कुछ ग्रीन वेजिटेबल वगैरह है। अब हमारे राम भैया है जो यहाँ पे महफिल जमाने वाले हैं, देखो इन लोगों के लिए गाना गाने वाले हैं। कौन सा, कन्नड़ा? कन्नड़ गाना है, हिंदी गाना? कन्नड़ा, ओके। क्या ही महफिल जमा दी यार यहाँ पे, देखो हम लोग कितना जल्दी घुल मिल गए। ಏಳು ನಿನ್ನ ಹನಿಗಳಲ್ಲಿದೆ ನಿನ್ನ ಮುಗಿಲ ಶಾಲೆ ಧರೆಯ ಕೊರಳ ಪ್ರೇಮದ ಮಾಲೆ ಸುರಿವ ಒಲುಮೆಯ ಜಡಿ ಮನೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮೂಡಿದೆ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯೇ ಏಳು ನಿನ್ನ ಹನಿಗಳಲ್ಲಿ। अब बारी है हिंदी गाने की। चांद सितारे फूल और खुशबू ये तो साल पुराने हैं, ताजा ताजा किले किले है, हम उसके दीवाने हैं। अरे खाली घटाए बड़का सामान ये क्या बात है, ताजा ताजा किले किले है, हम उसके दीवाने हैं। चाइना में एक हिंदी गाना बहुत फेमस है, आंखें खुली हो या नम, शाहरुख खान का।
शाहरुख खान का खाना पूरे चाइना में बहुत फेमस है। इन लोगों ने नाम लेके बताया और इन लोगों ने गा के भी बताया हम लोगों को वो गाना। अच्छा लग रहा है, मतलब जो वुहान सिटी था उसने इतना सफ़र किया कोविड से और अब यहाँ की जो लाइफ है वो बहुत नॉर्मल, मतलब नॉर्मल ट्रैक पे वापस आ गई है। इन लोगों को देख के काफ़ी अच्छा फील होता है। देखा जब माहौल ट्रेक कर दिया ना, यहाँ पे तीन इंडियंस बैठे हैं। तो गाइस ये था इस वीडियो के बारे में। आप लोगों में से भी नाइस, आप लोगों के मन में भी बहुत सारी क्यूरियोसिटी थी, जिज्ञासाई थी वुहान सिटी को देखने के लिए। हम लोग काफ़ी देर से सिटी में घूम रहे हैं, तो अब इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करने का टाइम आ गया है। अब हम लोग जाएंगे हमारे हॉस्टल को और सुबह हम लोग निकलेंगे दूसरी सिटी गुआंगझोउ के लिए। तो मिलते हैं फिर किसी एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।